वर्ष गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कोटा नगर के वरिष्ठ नागरिकों व्यापारी वर्ग व युवा वर्ग द्वारा बड़ी धूमधाम से हिंदू नव वर्ष मनाया गया। स्तंभ नाका चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक केसरिया झंडे के साथ पूरा कोटा नगर को पाट दिया गया था। नगर के युवाओं द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में युवा वर्ग शामिल हुआ। राम मंदिर चौक तक पैदल रैली निकाली गई, जिसमें कोटा नगर के गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों सहित कोटा नगर के प्रथम नागरिक, वर्तमान नागरिक, पंचायत अध्यक्ष। हिंदू नववर्ष की तैयारी एक हफ्ता पहले से कोटा नगर के युवा वर्गों द्वारा शुरुआत कर दी गई थी। पूरे रैली के दौरान युवा वर्गों ने वरिष्ठ नागरिकों के मार्गदर्शन में शांतिपूर्वक पैदल रैली मार्च की गई। साथ में रैली के दौरान भगवान श्री राम की झांकी और हनुमान जी की झांकी को भी शामिल किया गया था। रास्ते के दौरान बच्चे, बूढ़े, युवाओं, महिलाओं द्वारा रैली का स्वागत भी किया गया। पहली बार कोटा नगर में हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ पैदल रैली निकाली गई। इस बारे में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रैली के संबंध में बताया गया कि इस बार वरिष्ठ नागरिकों के साथ युवाओं वर्गों की टोली भी बड़ी धूमधाम से नववर्ष के शुभ अवसर पर चैत्र नवरात्रि की पूरे नगरवासियों को शुभकामनाएं दी गई। मुरारी गुप्ता, वेंकट अग्रवाल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण त्रिवेदी, आदित्य दीक्षित, कुलवंत सिंह ठाकुर, संजय तुलस्यमान, घनश्याम दुबे, संतोष मिश्रा, प्रकाश जायसवाल, चुन्नीलाल साहू, मुकेश गुप्ता, अनुराग शर्मा, श्री राम क्लॉथ स्टोर के संचालक सहित युवा वर्ग की टोली के साथ में जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में पैदल रैली के स्वागत में जलपान व्यवस्था कोटा नगर के प्रबुद्ध जनों द्वारा की गई थी। पूरी रैली के द्वारा युवा वर्ग में पहली बार मैं देख रहा हूँ हिंदू नववर्ष हमारे नगर में इतने उत्साहपूर्वक ये पहली बार है जब हमारे कोटा नगर के युवा, वृद्ध और महिलाएं भी इस हिंदू नववर्ष को इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह हमारा पहला प्रयास है और हमारा आगे भी इस तरह का लगातार प्रयास जारी रहेगा और हमारी ये कोशिश होगी इस बार की तुलना में हमारी जो रैली है वो अगले बार इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ के साथ हर्षोल्लास के साथ पूरे कोटा नगर में हिंदू की धूम हो। आप सभी को जय जय।